हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अब जो है सितंबर मंथ से एग्जाम कंडक्ट होना स्टार्ट हो रहे हैं। चाहे वो मैं बात करूं 12 सितंबर से नीट का एग्जाम है, फिर 26 को एचएएस का एग्जाम हो रहा है, फिर आगे यूपीएससी, इसके अलावा और भी जो छोटे एग्जाम्स हो रहे हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं। एग्जाम्स में एसएससी वगैरह सभी एग्जाम्स वो कंडक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि काफ़ी टाइम से कोविड क्राइसिस की वजह से या तो एक्सटेंड हुए या फिर वो एग्जाम्स हुए ही नहीं। तो ज़्यादातर लोगों के मैसेजेस आते हैं कि प्रिपरेशंस कैसे करें इस दौरान, क्योंकि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस जो बंद रहे हैं, लाइब्रेरीज बंद रही, अकेडमीज बंद रही, तो प्रिपरेशंस वो कर नहीं पाए। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्हें सिलेबस तक नहीं मालूम, तो वो भी कहते हैं कि प्रिपरेशंस कैसे करें, क्योंकि इसकी वजह जो रही है वो 2 साल से वो सजा भुगत रहे हैं क्योंकि कोविड क्राइसिस चल रहे हैं। तो ऐसे में प्रिपरेशन कैसे करें, क्योंकि कुछ लोग जब 12th पास हुए थे, कुछ ग्रेजुएट हुए थे, तो वो आगे कुछ नहीं कर पाए हैं इसके बाद से। इस करके जितने भी लोग हैं या तो थोड़े डिप्रेस्ड हो जाते हैं या फिर टेंशन में आ जाते हैं कि अब क्या करें। तो एक बार आप अच्छे से गूगल करें सिलेबस क्या, कौन से एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो। नीट का एग्जाम भी आ रहा है, तो बहुत से लोग डिप्रेस थोड़े टेंशन में रहते हैं कि घर पे हैं, हम कोचिंग कर रहे होते तो शायद एग्जाम क्लियर कर लेते, ऑनलाइन क्लासेस चल रही होती हैं। लेकिन आप जो है अपने फोकस करें, जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने आप पर भरोसा रखें, पॉजिटिव एटीट्यूड रखें, हार्ड वर्क करें। और कुछ लोग जो है वो टेंशन में रहते हैं कि लोग कहते हैं कि ये लोग नहीं कर पाए जो आपसे पहले इतने इंटेलिजेंट थे, तो आप कैसे कर पाओगे। तो आप अपने हार्ड वर्क को जो है वो कंटिन्यू करें, लोगों की बातों में ना आए, पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाएं। और जब आप एग्जाम क्रैक कर लोगे ना, तो वही लोग आपसे पूछेंगे कि आपने ये कैसे कर लिया, इसका कोई मंत्र था, वो आप हमें बताएं, हम भी वैसे प्रिपरेशन करेंगे या फिर आगे अपने बच्चों को करवाएंगे। इसके अलावा अगर एचएएस का भी एग्जाम आ रहा है, तो लोग जो है वो थोड़े टेंशन में है, क्योंकि ये एग्जाम जो था वो होना था 30 जुलाई को, उसके बाद एक्सटेंड हुआ, अभी 12 सितंबर से फिर पोस्टपोन हुआ, अभी 26 सितंबर को हो रहा है। तो फ्रेंड्स, जितना भी आप करंट अफेयर कर रहे हो वो उसे अच्छे से करें, बाकी का सिलेबस तो सेम रहने वाला, क्योंकि करंट है जुलाई में होने वाला था, अब सितंबर है, करंट अफेयर बढ़ गया, रिवाइज करें। और जो बाकी का लेटर ऑन ऐड हुआ है उसे ऊपर ऊपर से एक बार देख लें, क्योंकि पिछले 2 साल तक का करंट अफेयर जो है वो पूछा जाता है सिविल सर्विसेज में, चाहे मैं यूपीएससी की भी बात करूं। तो आपने जो है, एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि जितने भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं वो टेंशन ना लें, जो भी पढ़ा है उसे अच्छे से रिवाइज करें, क्योंकि मंजिलें उनको मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता है, हौसलों से उड़ान होती है। ये सब चीज़ें जो है आपको रियल लाइफ में भी देखने को मिलेंगी। आप पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ प्रिपरेशंस करें। किसी ने ये बहुत अच्छी चीज़ कही थी मुझे, जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था, या जितने भी लोग मुझे जानते हैं जिनके मैसेजेस आते हैं, काफ़ी टाइम से प्रिपरेशन कर रहा हूँ, कभी प्री, कभी मेंस, तो कभी इंटरव्यू से वापस आ जाते हैं, कि खामोशी इतनी मेहनत से करो कि आपकी जो कामयाबी है वो शोर मचा दे। तो आप जो अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू करें, लोगों की बातों में ना आए, और ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें, पॉजिटिव एटीट्यूड रखें आप अपना, और मोटिवेशनल स्पीच ज़्यादा सुने, और उन लोगों की ग्रुप स्टडीज ज़्यादा करें, सबसे ज़्यादा चीज़ है, क्योंकि ग्रुप स्टडीज़ में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। टच में रहिए उन लोगों के साथ जो प्रिपरेशंस कर रहे होते हैं सेम एग्जाम्स की, चाहे मैं सिविल की बात करूं या फिर इसके अलावा जो भी अभी एग्जाम्स वगैरह हो रहे हैं। तो पॉजिटिव एटीट्यूड रहिए, हम आपके साथ हैं। और मैं कल या परसों से अपनी वीडियोस पे फिर से कंटिन्यू करूंगा, ओलंपिक्स पे जो है मेरा नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू एंड कीप ग्रोइंग, कीप वॉचिंग माई चैनल, एंड थैंक यू।